कालाढूंगी थाना अंतर्गत पवलगढ़ गांव के एक रिसोर्ट में गिरीश चंद्र त्रिपाठी की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या के मामले में परिजनों और पुलिस की नोकझोंक हो गई। इसके बाद पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं मृतक के भाई ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि रिसोर्ट में ही काम करने वाले युवक ने घटना को अंजाम दिया था। कालाढूंगी से मुकेश छिमवाल की रिपोर्ट। हम जांच से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है क्योंकि कई चीज़ों में लीपापोती हुई है। मैनेजर को इसमें साफ साफ बचाया जा रहा है। एक पतला दुबला आदमी जिसको इन्होंने मुलजिम बना दिया गया है, उसको बंद करके सारी कार्रवाई बंद करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उस मैनेजर पे पूरी कार्रवाई हो और मैनेजर ने ही ये काम करवाया है। इसमें कल डक सेंट रिजॉर्ट में गिरीशन त्रिपाठी की हत्या कर दी गई थी और हत्या के अनावरण के लिए थाना अध्यक्ष कालाढूंगी के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया, जिनके द्वारा घटनास्थल पर जाकर मृतक का पंचायतनामा भरा गया।